हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कचावा, पुस्तकालय अध्यक्ष जोधपुर सिटी राजस्थान से इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का, जो भी विद्यार्थी KVS लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक व्यक्तिगत सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं और समय पर नोट्स बनाएं। जल्दी से जल्दी अगर आप नोट्स बनाओगे तो अधिक से अधिक रिविजन करोगे, रिविजन होगा टाइम पर, तो आप आराम से टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है मेरी जो शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस YouTube पर बहुत ज़्यादा मुझे प्रेम और स्नेह दिया है। इसलिए मैं जो है दिन प्रतिदिन जो है आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है टॉप की क्लास लेकर आया हूं मैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड फॉर योर अफेक्शन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा जो सिलेबस है। आपको पता है KVS सिलेबस को 6 जो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो है पार्ट 5 की बात कर रहे हैं आज हम। पार्ट 5 हमारा जो है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस, सूचना स्रोत और सेवा। इसको क्या कहते हैं भाई, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना और सोर्स का मतलब होता है स्रोत एंड सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है भाई, सेवा। सूचना स्रोत और सेवा जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टॉपिक में से इस पार्ट में से आपके परीक्षा में 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो ये 5 पार्ट है, पार्ट जो 5 है, इस टॉपिक में से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे कंटेंट को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपके जो कमेंट है मैं हमेशा पढ़ता हूँ आप, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने अभी कॉलम क्लासिफिकेशन की क्लास को भी बहुत अच्छा आपने देखा, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। इसी तरीके से हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी जो है जरूर बताइए इस क्लास के बारे में। शुरुआत करते हैं आज हमारा जो पार्ट 5 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, रेफरेंस सर्विस। ये आपका यूनिट टू है, रेफरेंस सर्विस है, जिसको हिंदी में कहते हैं संदर्भ स्रोत। क्या दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, संदर्भ स्रोत कहते हैं। क्या दोस्तों, संदर्भ स्रोत कहते हैं, ध्यान रखना, सॉरी संदर्भ सेवा। सर्विस का मतलब होता है यहाँ पर सेवा, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, संदर्भ सेवा, ठीक है ना। आज हम संदर्भ सेवा टॉपिक ले रहे हैं, पूरा यूनिट पढ़ाएंगे, जिसमें संदर्भ सेवा की कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवधारणा। कि संदर्भ सेवा की अवधारणा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। डेफिनेशन, संदर्भ सेवा की परिभाषा किन किन लोगों ने दी भाई, संदर्भ सेवा की परिभाषा अलग अलग लोगों ने दी। रंगनाथन ने क्या कहा था संदर्भ सेवा क्या है, जो सैमुअल स्वीट ग्रीन नामक व्यक्ति है उसने क्या कहा था, ठीक है ना। वायर नामक व्यक्ति ने क्या परिभाषा दी थी, हम अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद स्कोप एंड ट्रेंड, रेफरेंस इंटरव्यू क्या होता है, संदर्भ साक्षात्कार क्या होता है, रेफरेंस डिपार्टमेंट क्या होता है, हम सभी रेफरेंस के बारे में छोटी छोटी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक में से आपके परीक्षा में 3 से 4 सवाल 100% पूछे जाते हैं। कितने सवाल है भाई, 3 से 4 सवाल, ये 100% आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना। चलो शुरुआत करते हैं भाई, रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा क्या होती है, ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए संदर्भ सेवा के बारे में, कि दो वस्तुओं या तत्वों अथवा पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री व पाठ्य के मध्य स्थापित करने के लिए प्रयुक्त सेवा को अभिव्यक्त करने के लिए संदर्भ सेवा शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, ध्यान रखना, दो लोगों के बीच में हो रही है, ध्यान रखना, कौन से दो लोग, पहला होता है पाठक, पाठक को अंग्रेजी में कहते हैं रीडर, क्या कहते हैं रीडर, ठीक है भाई। और दूसरा होता है पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री का मतलब होता है स्टडी मटेरियल या बुक्स, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। एक ऐसी सेवा जो एक पाठक, पाठक का मतलब होता है रीडर और इधर होती है बुक्स, एक ऐसी सेवा जो एक पाठक और किताबों के बीच में जो संपर्क स्थापित करता है,
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, संदर्भ सेवा। ये चीज आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। संदर्भ सेवा का मतलब होता है कि वह सेवा, वह सर्विस जो एक रीडर और बुक्स के बीच में जो है आपस में संपर्क कराता है, उसको क्या कहते हैं भाई, संदर्भ सेवा कहता है। और संपर्क कौन कराता है भाई, लाइब्रेरियन करवाता है। कौन कराता है? लाइब्रेरियन। एक लाइब्रेरी के अंदर, जैसे एक आप मान लो कि एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर कोई नया यूजर आता है और यूजर को चाहिए जो है इंडियन हिस्ट्री की किताब चाहिए, तो वो जो लाइब्रेरियन है उस यूजर को अपने साथ ले जाता है कि कहाँ पर वो इंडियन हिस्ट्री की किताब पढ़ी है। तो एक लाइब्रेरियन के द्वारा या लाइब्रेरी स्टाफ के द्वारा उस यूजर को जो है, यूजर को अपने साथ ले जाकर जो है उस इंडियन लाइब्रेरी, इंडियन हिस्ट्री की जो किताब के किताब से जो इंट्रोड्यूस करवाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, संदर्भ सेवा कहते हैं। ध्यान रखना, समझो आगे भाई। पाठ्य सामग्री व पाठक के मध्य स्थापित करने के लिए प्रयुक्त सेवा को अभिव्यक्त करने के लिए संदर्भ सेवा शब्द का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, इस सेवा के द्वारा पाठक की आवश्यकताओं को पाठ्य सामग्री में संचित ज्ञान से संबंध स्थापित किया जाता है, ताकि पाठकों को अपने विषय की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये संदर्भ सेवा क्यों जरूरी है? क्योंकि जब यूजर्स लाइब्रेरियन के पास आता है कि सर मुझे वो किताब चाहिए, तो वो लाइब्रेरियन उस यूजर को उस किताब तक ले जाता है, ठीक है ना, ताकि यूजर को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी उसको कोई इंडियन हिस्ट्री की बुक चाहिएगी, और भी कोई किताबें चाहिएगी, उसको पता चल जाएगा वहां पर है, ताकि यूजर भविष्य में कभी भी उस जो है बुक्स के पास आसानी से जा सकता है। ध्यान दीजिए, तो ये सेवा जो है पाठक की आवश्यकताओं को, ठीक है ना, उस किताबों तक पहुंचाता है जहां पर जो है पाठक और किताब का आपस में क्या होता है भाई, संबंध होता है, आपस में संपर्क होता है। ध्यान रखना, तो संदर्भ सेवा का मतलब होता है एक रीडर और बुक्स के बीच में आपस में संदर्भ कराना, संपर्क कराना है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, संदर्भ सेवा कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। आगे, इस सेवा का मुख्य साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। इस सेवा का मुख्य लक्ष्य कौन होता है भाई, पाठक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस संदर्भ सेवा का जो लक्ष्य होता है, जो पूरी बात किस पर होती है भाई, यूजर के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? यूजर के ऊपर होती है, क्योंकि यूजर को जब पता चल जाएगा कि बुक्स कहाँ है, किस तरीके से जो है उसको ले जाना है, इस तरीके से ध्यान रखना। इस सेवा का मुख्य साध्य क्या होता है भाई, पाठक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो अभी तक हमने केवल संदर्भ सेवा की परिभाषाओं के बारे में जाना, अब ये संदर्भ सेवा की अवधारणा कहाँ से आई थी, संदर्भ सेवा का जो इतिहास है, कौन से देश से शुरू होता है, किसने शुरुआत की थी, ध्यान रखना। संदर्भ सेवा की अवधारणा को सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, कि दुनिया में सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहले संदर्भ सेवा का जो कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा लाया गया? तो किसके द्वारा लाया गया भाई, एक व्यक्ति का नाम है सैमुअल स्वीट ग्रीन। ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है सैमुअल, एस का मतलब होता है स्वीट और ग्रीन, ध्यान रखना। सैमुअल एस ग्रीन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने वर्ल्ड में सबसे पहले संदर्भ सेवा की अवधारणा का परिचय करवाया। सैमुअल एस ग्रीन ऐसा व्यक्ति है जिसने रेफरेंस सर्विस के कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया, इसलिए सैमुअल एस ग्रीन को फादर ऑफ, ध्यान रखना, सैमुअल एस ग्रीन को फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है भाई, फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस भी कहा जाता है। मतलब रेफरेंस सर्विस का मतलब संदर्भ सेवा का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी दोस्तों, संदर्भ सेवा का जनक भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है, दुनिया में सबसे पहले रेफरेंस सर्विस के जो कॉन्सेप्ट है, संदर्भ सेवा का जो अवधारणा है, उसका परिचय करवाया था सैमुअल एस ग्रीन को, इसलिए सैमुअल एस ग्रीन को ध्यान रखना है संदर्भ सेवा का क्या, जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो सैमुअल एस ग्रीन कौन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं भाई, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले संदर्भ सेवा का जो परिचय है, संदर्भ सेवा का जो कॉन्सेप्ट है, कौन लेकर आया था,
सैमुअल एस ग्रीन लेकर आया था। अब सैमुअल एस ग्रीन है कौन, उसके बारे में तो कॉन्सेप्ट भी वही लेकर आया है, इसलिए इसको फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस भी कहा जाता है। सैमुअल एस ग्रीन जो है, जिसके जन्म हुआ था आपको 1837 में और डेथ हो गई थी 1918 में। सैमुअल स्वीट ग्रीन पूरा नाम है, अमेरिका पब्लिक लाइब्रेरी आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। जो सैमुअल एस ग्रीन है, जो अमेरिका पब्लिक लाइब्रेरी में जब आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जैसे इंडियन लाइब्रेरी में जो है, भारत में जो है पुस्तकालय आंदोलन कब हुआ था, सॉरी क्या कह सकते, हाँ लाइब्रेरी मूवमेंट, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी मूवमेंट कब हुआ था, बड़ौदा हुआ था 1910 में। 1910 में जो है पुस्तकालय आंदोलन हुआ था बड़ौदा राज्य में, भारत में 1910 में हुआ था। तो जब अमेरिका के अंदर जो पब्लिक लाइब्रेरी आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए थे, उनमें से एक कौन था भाई, सैमुअल एस ग्रीन था, जिन्हें संदर्भ कार्य का जनक के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है फादर ऑफ रेफरेंस वर्क, ध्यान रखना फादर ऑफ रेफरेंस वर्क, संदर्भ कार्य के फादर ऑफ, संदर्भ फादर ऑफ रेफरेंस वर्क, संदर्भ कार्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल पूछा जाता है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रेफरेंस वर्क, संदर्भ कार्य का जनक किसे कहा जाता है, सैमुअल एस ग्रीन। और संदर्भ सेवा का भी कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन लेकर आए, सैमुअल स्वीट ग्रीन लेकर आए थे 1876 में, ठीक है ना। 1876 में द लाइब्रेरी जर्नल में प्रकाशित उनका लेख लाइब्रेरियन और पाठकों के बीच व्यक्तिगत संबंध बहुत लोकप्रिय हुआ था। उन्होंने 1876 में एक किताब आई थी, ध्यान रखना, उस किताब का नाम क्या है, लाइब्रेरी जर्नल, ध्यान रखना, ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है लाइब्रेरी जर्नल में जो है सबसे ध्यान रखना 1876 में ध्यान रखना आपको 1876 में एक किताब आई थी अमेरिका की, लाइब्रेरी साइंस की पहली बुक है, ध्यान रखना, लाइब्रेरी साइंस की पहली बुक है लाइब्रेरी जनरल, ध्यान रखना, जो 1876 में आई थी। उस किताब के अंदर सैमुअल एस ग्रीन का एक आर्टिकल छपा था और आर्टिकल के अंदर उन्होंने क्या कहा कि लाइब्रेरियन और पाठकों के बीच एक व्यक्तिगत संबंध जो है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल का जो टॉपिक क्या था कि ध्यान रखना कि एक क्या कह सकते हैं जो है पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड रीडर्स, कि वास्तव में एक लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष और रीडर्स के बीच में एक व्यक्तिगत संबंध होता है, उनके बारे में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। किसने लिखा था, सैमुअल स्वीट ग्रीन ने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल का नाम था पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड रीडर्स, एक पाठक और एक पुस्तकालय अध्यक्ष के बीच में एक व्यक्तिगत संबंध है, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा। ये आर्टिकल कौन से किताब में इन्होंने पब्लिश किया था, लाइब्रेरी जर्नल में जो है उन्होंने प्रकाशित किया था। इस लाइब्रेरी जर्नल किताब कब आई थी, सबसे पहले 1876 में ये किताब आई थी, ठीक है भाई। संदर्भ सेवा को आरंभ करने वाला देश, सबसे पहले ध्यान रखना संदर्भ सेवा जो है कहां पर आरंभ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। और संदर्भ सेवा का सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया भाई, सैमुअल एस ग्रीन लेकर आया, इसलिए इसे फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं और फादर ऑफ रेफरेंस वर्क भी कहते हैं। और उनका एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल का नाम है पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड द रीडर्स, लाइब्रेरियन और रीडर्स के बीच में एक व्यक्तिगत संबंध है। ये आर्टिकल उन्होंने लाइब्रेरी जनरल नामक किताब के अंदर छापा था और लाइब्रेरी जनरल किताब जो है ये 1876 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। संदर्भ विभाग को पुस्तकालय का हृदय भी कहा जाता है। देखिए लाइब्रेरी जो है के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है या टेक्निकल सेक्शन होता है, रेफरेंस सेक्शन होता है, पीरियडिकल सेक्शन होता है, क्लासिफिकेशन सेक्शन होता है, कैटलॉगिंग सेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ध्यान रखना पुस्तकालय का हृदय, ध्यान रखना, तो पुस्तकालय का हृदय कौन से डिपार्टमेंट को कहा जाता है भाई, रेफरेंस डिपार्टमेंट को कहा जाता है, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है पुस्तकालय का हृदय, ध्यान रखना। जैसे विद्यालय का हृदय तो क्या होता है, लाइब्रेरी होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी का हृदय किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना, संदर्भ विभाग को कहा जाता है भाई। पढ़ता ना अपन पुस्तकालय का हृदय, हार्ट ऑफ द स्कूल, सॉरी विद्यालय का हृदय या कॉलेज का हृदय या विश्वविद्यालय का हृदय, तो विद्यालय का हृदय क्या होता है,
द हार्ट ऑफ द स्कूल, ठीक है ना भाई, हार्ट ऑफ द स्कूल क्या होता है, लाइब्रेरी होता है। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है पुस्तकालय का हृदय किसे कहा जाता है भाई, ध्यान रखना रेफरेंस डिपार्टमेंट को कहा जाता है, ठीक है ना भाई, ये चीज ध्यान रखना। पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की एक सहायता के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की प्रत्येक सेवा की पहल चर्चा सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आप इसको समझिए अच्छे तरीके से, द फर्स्ट डिस्कशन ऑफ एनी टाइप ऑफ डायरेक्ट सर्विस, ठीक है ना भाई, कोई भी डायरेक्ट सर्विस, डायरेक्ट सर्विस का मतलब होता है प्रत्येक सेवा की जो है, प्रत्येक सेवा जो सॉरी प्रत्येक सेवा डायरेक्ट सर्विस की जो सबसे पहले डिस्कशन है लाइब्रेरियंस के द्वारा की जानी चाहिए टू हेल्प लाइब्रेरी यूजर्स, वाज ए पेपर, उन्होंने एक पेपर निकाला था उसको प्रेजेंट किया गया था सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा। तो सैमुअल एस ग्रीन का जो है उन्होंने एक ऐसा पेपर जो है प्रस्तुत किया था, उस पेपर में यह लिखा गया है कि रेफरेंस सर्विस एक डायरेक्ट सर्विस होती है जो लाइब्रेरियंस के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है भाई, लाइब्रेरी यूजर्स को हेल्प करने के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सवाल आ सकता है परीक्षा में कि जो लाइब्रेरी यूजर्स की सहायता के लिए लाइब्रेरियंस के द्वारा किसी प्रकार की जो डायरेक्ट सेवा की जो पहल चर्चा, सबसे पहले चर्चा जो है किसने की थी भाई, सैमुअल एस ग्रीन ने की थी। मतलब समझ में आई बात, मेरा कहने का मतलब यह है वर्ल्ड में सबसे पहले जो चर्चा है जो है सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा की गई। चर्चा क्या थी कि जो भी लाइब्रेरी यूजर्स होते हैं, जो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए लोग आते हैं, जो भी लाइब्रेरी यूजर्स की जो सहायता है वो किसके द्वारा की जानी चाहिए, लाइब्रेरियंस के द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है ना, कि जो भी यूजर्स जो आता है लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने के लिए उसकी जो हेल्प है लाइब्रेरियंस के द्वारा की जानी चाहिए। इस बात पर जो चर्चा है सबसे पहले किसने की थी, सैमुअल एस ग्रीन ने, और इस जो है ये एक डायरेक्ट सर्विस है, इसमें जो चर्चा सैमुअल एस ग्रीन ने की थी, ध्यान रखना। और इसके ऊपर एक जो लेटर, एक पेपर जो है इस चर्चा के लिए उन्होंने एक पेपर भी प्रस्तुत किया था। अगला सवाल, अगला आगे देखिए, सैमुअल स्वीट ग्रीन ने अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन फिलाडेल्फिया के पहले सम्मेलन में संदर्भ सेवा के साथ एक पेपर की प्रस्तुति दी थी, ध्यान रखना। मैंने कहा ना उन्होंने एक ऐसा पेपर प्रस्तुत किया था, और पेपर कहां पर प्रस्तुत किया था भाई, ध्यान रखना, पेपर प्रस्तुत किया था अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सम्मेलन कहां पर भाई, फिलाडेल्फिया जगह पर, ध्यान रखना कौन सा शहर है भाई ये, फिलाडेल्फिया जो जगह है वहां पर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में उन्होंने एक जो है पेपर प्रस्तुत किया था, और पेपर में क्या लिखा हुआ था, पेपर में यह लिखा हुआ था कि लाइब्रेरी यूजर्स की जो हेल्प है वो लाइब्रेरियंस के द्वारा की जानी चाहिए। ये बात जो है, इस बात पर चर्चा किन्होंने की थी, सैमुअल एस ग्रीन ने की थी, और उन्होंने ये बात जो है अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था, पहला कॉन्फ्रेंस चल रहा था फिलाडेल्फिया में, वहां पर उन्होंने ये जो पेपर प्रस्तुत किया था, ठीक है। सैमुअल स्वीट ग्रीन का पेपर लाइब्रेरी जर्नल में प्रकाशित हुआ, और बाद में कहां पर प्रकाशित हुआ था भाई, लाइब्रेरी जर्नल नामक किताब में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। सैमुअल स्वीट ग्रीन के अनुसार संदर्भ सेवा लाइब्रेरियन और पाठकों के बीच एक व्यक्तिगत संबोध है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि रंगानाथन तो कहता है कि भाई संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा है जो एक पाठक और किताबों के बीच में संबंध होना चाहिए, तो पाठक और किताबों के बीच में एक व्यक्तिगत सेवा है, यह रंगानाथन ने परिभाषा दी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लाइब्रेरियन और पाठकों के बीच में एक व्यक्तिगत सेवा है, संभोग है, इंटरकोर्स है, तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी ध्यान रखना सैमुअल एस ग्रीन ने, ये सवाल ध्यान रखना। तो ध्यान रखना पाठक और किताबों के बीच में जो सेवा है ये रंगानाथन ने कही थी, लेकिन जो लाइब्रेरियन और पाठकों के बीच में जो व्यक्तिगत संभोग है ये बात किसने कही थी भाई, ये बात कही थी ध्यान रखना सैमुअल एस ग्रीन ने कही थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदर्भ कार्य जिसको कहते हैं रेफरेंस वर्क, शब्द पहली बार एक पुस्तकालय पत्रिका में, पुस्तकालय पत्रिका का मतलब क्या होता है, कौन सी किताब है, लाइब्रेरी जर्नल, जो ये सबसे पहले कब प्रकाशित हुई थी, 1876 में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना संदर्भ कार्य शब्द पहली बार एक पुस्तकालय पत्रिका में 1891 में
प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1891 में, ध्यान रखना। तो जो जो रेफरेंस वर्क वाला जो शब्द है, रेफरेंस वर्क जिसे हम कहते हैं संदर्भ कार्य, संदर्भ कार्य, संदर्भ कार्य का जनक किसे कहा जाता है? सैमुअल एस ग्रीन को कहा जाता है भाई, फादर ऑफ रेफरेंस वर्क। तो संदर्भ कार्य का जो शब्द है ये सब सबसे पहले कौन सी किताब में भाई? ये ध्यान रखना, लाइब्रेरी जनरल नामक, लाइब्रेरी जनरल नामक किताब में 1891 में प्रकाशित हुआ था। आगे अब हम बात करते हैं भाई रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा रंगनाथन के अनुसार। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी। तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था सैमुअल एस ग्रीन के बारे में। देखिए दोस्तों, जो मैं कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहो। इसलिए जो भी इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहा है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, पूरा यूट्यूब चैनल आप ढूंढ के देख लीजिए। जो संदर्भ सेवा मैंने पढ़ाई है आप अन्य टीचर के द्वारा जो पढ़ा रहे हैं उनसे भी पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा इतना अच्छा कंटेंट कहाँ से मिलेगा। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे जो है प्रेम और स्नेह दे रहे हो, इसलिए मेरी भी इच्छा होती है कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, और आप बिल्कुल इसको जो है लीजिए। और जो भी विद्यार्थी मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8619577803, ध्यान रखना 8689, ध्यान रखना ये मेरे क्या है भाई व्हाट्सएप नंबर है। क्या है दोस्तों? व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी कोई भी इंक्वायरी, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप मेरे साथ 4 महीने मेरे साथ जुड़ जाइए, आपका केवीएस जो है एग्जाम आराम से पास कर लोगे आप। क्योंकि हम, आप देखिए हमारा कंटेंट देखिए आप, इस तरीके से हम पढ़ाते हैं, ऐप के अंदर भी पढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सैमुअल एस ग्रीन ने परिभाषा दी थी कि संदर्भ सेवा जो एक व्यक्तिगत सेवा होती है किन के बीच में? लाइब्रेरियंस और रीडर्स के बीच में होती है। अब रंगनाथन ने संदर्भ सेवा के बारे में क्या कहा, ध्यान दीजिए। रंगनाथन के अनुसार व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से उपयुक्त पाठक और उपयुक्त पुस्तक के बीच, मैंने क्या दिन अभी बताया था कि रीडर एंड बुक्स के बीच में जो संबंध करवाता है वो हमेशा क्या होता है, संदर्भ सेवा होती है। तो व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से प्रयुक्त पाठक और उपयुक्त पुस्तक के बीच में ठीक समय पर संपर्क स्थापित करना संदर्भ सेवा होता है। तो रीडर्स और बुक्स के बीच में संबंध कराना ये रंगनाथन की परिभाषा है। लेकिन लाइब्रेरियंस और रीडर्स के बीच में जो ये इंटरकोर्स रिलेशन है ये किसने की थी? सैमुअल एस ग्रीन ने की थी। दूसरे शब्दों में ये व्यक्तिगत सेवा के द्वारा पाठक और पुस्तक दोनों में संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है, ध्यान रखना। ये व्यक्तिगत सेवा के द्वारा पाठक और पुस्तक दोनों के, मैंने अभी बताया था पाठक और पुस्तक, ये रहा पाठक का मतलब क्या होता है, रीडर या यूजर, और बुक का मतलब होता है बुक्स। तो वह सेवा जो एक रीडर और बुक्स के बीच में संपर्क स्थापित करती है उसको क्या कहता है, संदर्भ सेवा। और ये परिभाषा किसने दी थी? एस आर रंगनाथन ने दी थी। एस आर रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। किसने कहा था कि संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा है? तो ध्यान रखना एस आर रंगनाथन ने कहा था कि जो संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा है। ठीक है भाई, अब हम संदर्भ सेवा के बारे में पढ़ा, लेकिन संदर्भ सेवा, पहले संदर्भ कार्य वर्ड आया, उसके बाद संदर्भ सेवा आया, अब एक वर्ड आता है ध्यान रखना, संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष। संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेफरेंस लाइब्रेरियन। क्या कहते हैं भाई? रेफरेंस लाइब्रेरियन। 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में, मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के पद को स्वीकार किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, सवाल आएगा इंडिया की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले रेफरेंस लाइब्रेरियन जो ये पोस्ट होती है उसको स्वीकार किया गया था? तो वो यूनिवर्सिटी है ध्यान रखना मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। और कब है भाई? 1937 में। तो 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सबसे पहले इंडिया में रेफरेंस लाइब्रेरियन पद जो पोस्ट है उसको एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया था। ये कई बार परीक्षा के अंदर आया गया। ठीक है, ऐसा रंगनाथन ने 1928 में मद्रास विश्वविद्यालय में संदर्भ सेवा शुरू की थी। वैसे 1928 में मद्रास विश्वविद्यालय में संदर्भ सेवा शुरू कर दी थी, लेकिन भारत में पूर्ण विकसित संदर्भ सेवा स्थापित करने का श्रेय 1930 में
मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में एस आर रंगनाथन को जाता है। शुरुआत तो अटैच में भी हो गई थी लेकिन फुल फ्लेश के साथ, ये ध्यान रखना, फुल फ्लेश का मतलब होता है पूर्ण विकसित संदर्भ सेवा। मतलब 1928 में संदर्भ सेवा के बारे में रंगनाथन साहब ने सोचना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत जो भी प्रोसेस है शुरू कर दिया, लेकिन फुल फ्लेश के साथ अर्थात पूर्ण विकसित संदर्भ सेवा कब शुरू हुई थी, 1930 में शुरू हुई थी मद्रास जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर रंगनाथन के द्वारा की गई। सैमुअल एस ग्रीन संदर्भ लाइब्रेरियन के पद नाम के साथ ध्यान रखना, और वर्ल्ड में सबसे पहले ध्यान रखना है रेफरेंस लाइब्रेरियन, ध्यान रखना ठीक है ना भाई, वर्ल्ड में सबसे पहले सैमुअल एस ग्रीन संदर्भ लाइब्रेरियन के पद नाम के साथ कर्मचारियों को भी नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, ध्यान रखना। सैमुअल एस ग्रीन ऐसे दुनिया के पहले आदमी थे जिन्होंने रेफरेंस लाइब्रेरियन जो पद है वो तो भी वो स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ ध्यान रखना स्टाफ को भी साथ में क्या किया भाई, स्टाफ को भी नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। रेफरेंस लाइब्रेरियन, ध्यान रखना सवाल आएगा, रेफरेंस लाइब्रेरियन पद का सबसे पहले निर्माण किसने किया था, तो रेफरेंस लाइब्रेरियन का सबसे पहले दुनिया में निर्माण किया था सैमुअल एस ग्रीन ने किया था, ध्यान रखना किसने किया था भाई, सैमुअल एस ग्रीन ने। तो आपको ध्यान रखना रेफरेंस लाइब्रेरियन आते ही आपको याद रखना है सैमुअल एस ग्रीन ने। मेलविन डीवी यूज्ड फर्स्ट फ्रेज रेफरेंस डिपार्टमेंट, मेलविन डीवी ने पहला वाक्य संदर्भ विभाग का प्रयोग किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, रेफरेंस डिपार्टमेंट आते ही आपको ध्यान रखना रेफरेंस डिपार्टमेंट संदर्भ विभाग का प्रयोग सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था, मेलविन डीवी ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मार्गरेट हचिंस इज द फर्स्ट लाइब्रेरियन टू यूज द फ्रेज रेफरेंस इंटरव्यू, रेफरेंस इंटरव्यू का मतलब होता है संदर्भ साक्षात्कार, तो रेफरेंस इंटरव्यू का वाक्यांश का उपयोग करने वाले पहले लाइब्रेरियन कौन थे, मार्गरेट हचिंस थे, ये ध्यान रखना। ये तीनों सवाल आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, इन तीनों में से एक सवाल परीक्षा के अंदर जरूर आएगा, ध्यान रखना। पहला सवाल अगर पूछ ले कि वर्ल्ड में सबसे पहले रेफरेंस लाइब्रेरियन जो पद का प्रयोग किसने किया था या शब्द का प्रयोग किसने किया था, रेफरेंस लाइब्रेरियन शब्द का प्रयोग किया था सैमुअल एस ग्रीन ने। उसके बाद वर्ल्ड में सबसे पहले रेफरेंस डिपार्टमेंटल शब्द का प्रयोग किया किसने किया था, डिपार्टमेंटल से डीवी याद रखना, मेलविन डीवी, डिपार्टमेंटल से डीवी, डिपार्टमेंटल डीवी, तो रेफरेंस डिपार्टमेंटल शब्द का प्रयोग किसने किया था, डीवी ने किया था, मेलविन डीवी ने किया था। लास्ट में है रेफरेंस इंटरव्यू, तो रेफरेंस इंटरव्यू का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मार्गरेट हचिंस ने, किसने किया था दोस्तों, मार्गरेट हचिंस ने किया था, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चंस आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, नोट्स जरूर बनाइए, तैयार नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, टेस्ट सीरीज आपको कॉन्फिडेंस देगा क्योंकि इस बार केवीएस का एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है और इस बार हम 100+ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज ध्यान रखना, हमारी टेस्ट सीरीज 11 नवंबर से शुरू हो चुकी है, ध्यान रखना जो 11 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो गई जो हमारे 15 अप्रैल तक, जब तक आपके जो है केवीएस का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। रोज एक टेस्ट सीरीज आती है, अगले दिन उसका सॉल्यूशन पीडीएफ आता है, फिर टेस्ट सीरीज आती है, अगले दिन सॉल्यूशन पीडीएफ आता है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे संदर्भ सेवा को समय के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों, दो भागों में संदर्भ सेवाओं को विभाजित किया जाता है रंगनाथन के अनुसार, रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है रेडी रेफरेंस सर्विस, जिसको हम शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं, हिंदी में प्रस्तुत संदर्भ सेवा या त्वरित संदर्भ सेवा कहते हैं। रेडी रेफरेंस सर्विस का मतलब होता है जिसमें आंसर जो है आधे घंटे के अंदर अंदर दिया जाता है, जैसे पूछ लिया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, तो इसका ये उदाहरण जो है रेडी रेफरेंस के अंदर आता है। इसको अपन अभी बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक तरीका पढ़ेंगे कि रेडी रेफरेंस क्या होता है, उसके बारे में क्या कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो है संदर्भ सेवा को दो भागों में बांटा गया, पहला हो गया रेडी रेफरेंस सर्विस, जिसको हम शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं, दूसरा होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, जिसको हम कहते हैं दीर्घकालीन एवं व्याप्त विस्तृत संदर्भ सेवा, इसको लॉन्ग
रेंज रेफरेंस सर्विस कहते हैं दीर्घकालिक, जिसमें आधे घंटे से ज्यादा समय लगता है किसी आंसर का उत्तर, किसी क्वेश्चन का उत्तर देने में। ठीक है भाई, तो सवाल आएगा रंगानाथन के अनुसार संदर्भ सेवा को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है आप सबको? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी क्लास लग रही है आपको। बिल्कुल आप लाइक जरूर कीजिए और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए, ध्यान रखना सब्सक्राइब हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने आज हमारी पहली क्लास है, इसकी जो है अगली क्लास जो है संदर्भ सेवा को दो भागों में बांटा गया है, रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस, इसको हम अगली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से आपको उत्तर देना है, किस तरीके से सवाल पूछा जाता है, ये देखिए केवीएस 2013 के अंदर सवाल आया था कि द टर्म रेफरेंस वर्क अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए लाइब्रेरी जर्नल इन, संदर्भ कार्य शब्द पहली बार में एक पुस्तकालय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो आपको बता दूं जो रेफरेंस वर्क जो है, रेफरेंस वर्क के जो फादर है, जो ध्यान रखना रेफरेंस वर्क के फादर किसे कहा जाता है? सैमुअल एस ग्रीन को कहा जाता है। और उन्होंने रेफरेंस वर्क जो है पहली बार जो है लाइब्रेरी जर्नल नामक किताब में कब जो है प्रकाशित किया था, यह शब्द कब प्रकाशित किया था? यह शब्द प्रकाशित किया था 1891 में किया था, क्योंकि लाइब्रेरी जनरल की किताब, ये लाइब्रेरी जनरल जो किताब है ये कब प्रकाशित हुई थी? सबसे पहले 1876 में, लेकिन सैमुअल एस ग्रीन ने रेफरेंस वर्क नामक वर्ड जो है 1891 में इस किताब में प्रकाशित किया था। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस वाज फर्स्ट इनिशिएटेड, संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, ये भी केवीएस के अंदर सवाल आया हुआ है। तो संदर्भ सेवा की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा हुआ था? सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा किया गया था। देखिए आपके सामने इस तरीके से केवीएस में सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छा कंटेंट आपको देगा। हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जो भी विद्यार्थी है सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ठीक है ना, ऑनलाइन स्कूल इंडिया को जरूर आप डाउनलोड कीजिए ताकि आपको जो है बिल्कुल अच्छा मैसेज, क्योंकि बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे कोई देने वाला नहीं है, हम आपके लिए कोशिश करें ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिले। और सबसे बड़ी बात है कि पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में हम पहली बार जो है रेगुलर टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज आपके ध्यान रखना है 21 नवंबर से शुरू हो गई है, आपके ऐप के अंदर आ रही है 21 नवंबर 2022 से, जो आपके केवीएस एग्जाम, जब तक केवीएस एग्जाम नहीं हो जाता तब डेली जो है टेस्ट सीरीज आपको चलती रहेगी। टेस्ट सीरीज दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश, बाइलिंगुअल पर टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये चीज आपको बताना चाहता हूं मैं। और जो विद्यार्थी हमारा केवीएस का लाइब्रेरियन, केवीएस में सिलेक्शन होना चाहता है, उसको एक ही जगह पर सारा कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाए ताकि उसको अलग अलग नहीं जाना पड़े, तो हमारा जो ऐप है ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारा ऐप का नाम है दोस्तों ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? ऑनलाइन स्कूल इंडिया। सिर्फ फीस है 2999, एक साल की वैलिडिटी है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर लाइव सॉल्यूशन 100+ टेस्ट सीरीज हम इस बार दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला सवाल, इन विच यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ इंडिया द पोस्ट ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन वॉज फर्स्ट क्रिएटेड, ये MP में आया था। भारत के किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सर्वप्रथम सृजित हुआ था? तो संदर्भ रेफरेंस लाइब्रेरियन भारत में कब आया था, कब जो है ये सॉरी रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद जो है कब जो है सर्जित हुआ था? मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में, ध्यान रखना कब हुआ था, 1937 में जो है ये रेफरेंस लाइब्रेरियन पद का शुरुआत हुई थी। MP हाईकोर्ट में आया था 2019 में। हु गेव द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस, किसने रेडी रेफरेंस सर्विस की पहली अवधारणा दी थी? तो रेडी रेफरेंस की अवधारणा SR रंगानाथन ने दी थी, क्योंकि SR रंगानाथन ने संदर्भ सेवा को दो भागों में बांटा था, रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू यूज द फ्रेज रेफरेंस डिपार्टमेंट, ध्यान रखना निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले संदर्भ विभाग वाक्यांश का प्रयोग हुआ था? मैंने अभी बताया था रेफरेंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से DV याद रखना, ये रहा, ठीक है ना भाई, सॉरी
ठीक है, डिपार्टमेंट रेफरेंस डिपार्टमेंट आते डिपार्टमेंट से डी, डी से डिपार्टमेंट से मेलबर्न डीवी, डी से डीवी याद, डिपार्टमेंट से डीवी याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन वाज फर्स्ट इनिशिएटेड, और रेफरेंस लाइब्रेरियन का जो कौन सा अवधारणा है, तो रेफरेंस लाइब्रेरियन की अवधारणा किसके द्वारा सबसे पहले शुरू की गई, सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सैमुअल एस ग्रीन पेपर वाज पब्लिश्ड इन, सैमुअल एस ग्रीन का जो पेपर है वो कौन सी किताब में प्रकाशित हुआ था, तो कौन सी किताब में प्रकाशित हुआ था, लाइब्रेरी जनरल में, ध्यान रखना, लाइब्रेरी जनरल जिसकी स्थापना जो है, सॉरी स्थापना क्या, लाइब्रेरी जनरल जो बुक है इसको प्रकाशित किया गया था 1876 में, ध्यान रखना। ठीक है, 1876 में प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है भाई, 1876 में इस लाइब्रेरी जनरल की जो किताब है इसको प्रकाशित में किया गया था, ध्यान रखना। लेकिन इसी किताब में रेफरेंस वर्क शब्द का प्रयोग कब हुआ था, तो रेफरेंस वर्क शब्द का प्रयोग इसी किताब में कब हुआ था, 1891 में किया गया था, सैमुअल एस की, सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु डिफाइंड द रेफरेंस सर्विस एज इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश कनेक्टिंग बिटवीन ए रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन ए पर्सनल वे, संदर्भ सेवा को किसने परिभाषित किया है, ये एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच में। देखो ध्यान रखना, पाठक को रीडर भी कहते हैं, अगर रीडर वर्ड नहीं है तो ध्यान रखना उसकी जगह यूजर भी हो सकता है। दस्तावेज को यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बुक्स भी कह सकते हैं, अगर बुक्स नहीं है तो क्या कह सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक रीडर और बुक्स के बीच में जो व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संदर्भ सेवा, ये परिभाषा किसने दी थी, एस आर रंगनाथन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री स्टार्टेड रेफरेंस सर्विस फर्स्ट इन इंडिया, विश्व में सबसे पहले संदर्भ सेवा किस देश ने आरंभ की थी, तो सबसे पहले संदर्भ सेवा किस देश ने आरंभ की थी, अमेरिका ने, किस देश ने भाई, अमेरिका ने शुरू की थी। विच सेक्शन इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द लाइब्रेरी, पुस्तकालय के हृदय किस विभाग को कहा जाता है, किस विभाग, विभाग का मतलब होता है दोस्तों डिपार्टमेंट, तो किस विभाग को कहा जाता है भाई, रेफरेंस सेक्शन को कहा जाता है, ध्यान रखना, तो रेफरेंस सेक्शन को कहा जाता है पुस्तकालय का हृदय। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी मेरे साथ बने रहे और ऐसे ही हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देते रहे। लेकिन आपकी केवीएस की परीक्षा अप्रैल 2023 के अंदर होने वाली है, इसलिए ज्यादा सोचिए मत, जिसका जिस टीचर का अच्छा कंटेंट आपको लगता है उस टीचर का तुरंत प्रभाव से कोर्स ले लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप सोचोगे कोर्स बाद में लेंगे, टेस्ट सीरीज लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ना शुरू कीजिए जल्दी से ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।